नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त न्यूज रूम में मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए बड़े तबादलों की। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि 18 आईएएस और 5 कलेक्टर को इधर से उधर किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावी तैयारियों के बीच ट्रांसफर का सिलसिला भी जारी है। हम आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का दौर भी लगातार देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने देर रात 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इनमें 5 कलेक्टर्स भी शामिल है। इसके साथ ही संभागायुक्त भी बदले गए हैं। और इससे पहले भी प्रदेश सरकार व्यापक पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों को यहां से वहां कर चुकी है। हम आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव से पहले ये तबादले किए जा रहे हैं और जिला कलेक्टर के साथ 4 संभागों के आयुक्तों को भी यहां बदला गया है। इसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जैसे ही 18 आईएएस के तबादले किए गए, उन्हें यहां से वहां किए गए, वैसे ही कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली और कई प्रकार के सवाल जो हैं प्रदेश की शिवराज सरकार पर कांग्रेस ने लगा दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेंगू की। दरअसल मौसमी बीमारियाँ चल रही है और बारिश का मौसम चल रहा है, जिस वजह से डेंगू की बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है और अन्य बीमारियाँ भी काफ़ी फैल रही है। अगर कभी कहीं पर भी पानी अगर जमा है तो आप उसे तुरंत निकाल दें, क्योंकि पानी में पनप रहे मच्छर अगर आपको काटेंगे तो उससे डेंगू होना लाजमी है। जनवरी से लेकर जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजधानी के 2.5 लाख से अधिक घरों में लार्वा सर्वे किया। इसमें 9,000 जगह ऐसी पाई गई जहां पर लार्वा मिला। जिन स्थानों पर लार्वा मिला वहां पर दवा का छिड़काव किया गया और लार्वा को नष्ट किया गया। हम आपको बता दें कि इस समय मौसमी बीमारियों के बीच में डेंगू तो खूब चल ही रहा है। मच्छरों के काटने से कई लोगों को डेंगू हो चला है, तो उसके अलावा आई फ्लू के मरीज जो हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। आई फ्लू भी लोगों को हो रहा है, आंखों की परेशानी हो रही है, आंखों में लालपन हो रहा है, पानी आ रहा है। और हम आपको बताएं कि आप बिल्कुल भी इसका जो दवाइयों का इस्तेमाल है ख़ुद से ना करें, आप डॉक्टरों से सलाह लें और वो जो दवाई आपको बताएं वो ही आप इस्तेमाल करें और वो ही दवाई लें। और अगर आपको आई फ्लू भी होता है तो आप जाकर डॉक्टरों से सलाह दें और उनकी बताई दवाई ही खाएं। और अगर आपको आई फ्लू है तो आप बार बार साफ पानी से अपनी आँखों को धो सकते हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से लार्वे की अभी हमने बात करी तो उसके लिए फॉगिंग मशीन का उपयोग भी किया जा रहा है और फॉग के ज़रिए मच्छरों को मारा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात कर लेते हैं हम ट्रेन की। दरअसल जिस तरह से अभी श्रावण मास का महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की दरकार कर रहे हैं। और इसी झड़ी में हम आपको बता दें कि श्रावण मास एवं अधिक मास के दौरान भगवान शिव की आराधना पूरे जोर शोर से श्रद्धालु कर रहे हैं और शिवालयों में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। महाकाल ज्योतिर्लिंग में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पश्चिमी रेलवे रतलाम मंडल ने उज्जैन से भोपाल और उज्जैन के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। अगस्त माह में यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन यानी कि रविवार और सोमवार को दोनों दिशाओं से चलेगी, यानी कि उज्जैन से भोपाल और भोपाल से उज्जैन दोनों तरफ से जा सकेगी। और हम आपको बताएं कि गुना के बीच में आने वाले स्टेशनों पर भी इन दोनों पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रहेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु का आना जाना खूब उज्जैन में लगा हुआ है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें सीट नहीं मिल पाती है और वो उज्जैन नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से हम आपको बताएं कि स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय जो है पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने श्रद्धालुओं के लिए लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं भारत से गई पाकिस्तान अंजू की। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि भारत से पाकिस्तान जाकर इस्लाम अपनाकर फातिमा बन चुकी है अंजू के मामले की जांच अब मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल ब्रांच करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। हर तरफ अंजू की चर्चाएं हो रही है। पहले सीमा हैदर की खूब चर्चाएं हुई, उनका मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अंजू
का मामला सामने आ गया। हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है अंजू के, पहले अंजू कह रही थी कि उसने निकाह जो है वो पाकिस्तान के नसरुल्ला से नहीं किया है, लेकिन अब सामने जो तस्वीरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्ला से अंजू निकाह कर चुकी है और कई लोग जो हैं वो वहाँ उसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, कई तोहफे भी उसे वहाँ पर दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बिजनेसमैन ने उसे एक फ्लैट दिया और उसे नौकरी देने का दावा भी किया है। हम आपको बताएं कि इसके साथ ही इस मामले को लेकर जिस तरह से अंजू की पाकिस्तान में खातिरदारी हो रही है, उसे उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह भी पैदा हो रहे हैं। आपको बता दें कि अंजू के पिता ग्वालियर के पास टीकरपुर में रहते हैं। हम आपको बताएं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मैंने स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि मामले की बारीकी से जांच की जाए, कहीं यह मामला इंटरनेशनल साजिश तो नहीं है, यह ग्वालियर रेंज का मामला है। मैंने उन्हें बोला है कि वे अंजू केस में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को ध्यान में रखकर ही जांच करें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब भारत से कोई पाकिस्तान गया हो, और क्या ये इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, इस तरह के कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं और गृह मंत्री ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मानसून की। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से मानसून गतिविधियाँ लगातार बरकरार है, जिससे कई जिलों में हल्की और तेज़ बारिश हमें देखने को मिल रही है। कल लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन रात होते होते झमाझम बारिश के हमें देखने को मिली और अगले 24 घंटे में भी प्रदेश के कई जिलों में तेज़ बारिश का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।